हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल संतोष रोकड़े पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और गाइस, जो जो भी अभी मेरे व्लॉग से रेगुलर जुड़ा हुआ है उनको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि सिर्फ पानी का मौसम है और धूप नहीं निकली जिसकी वजह से हमारा गारा नहीं बना, लेकिन आज देख लो पानी आना भी शुरू हो गया है। तो ईंटों को बचाने के लिए ये देख सकते हो जो बनी हुई ईंटें थी उसके ऊपर भी ये बरसाती ढक दिए, और जो थोड़ी सी टाइट ईंट थी जो तो उसके ये दस्से लगा दिए, और ज़्यादा गीली रहती है तो ईंट उठाते तो टूट जाते, इसलिए ये उठी नहीं तो उस पर पन्नी वगैरह बरसाती वगैरह ढक दिए। और ये जगह खाली दिख रही है तो सेटअप भी और गए बरसाती वगैरह लेने के लिए, वो लाएंगे तो ये खाली जगह पर भी जो ईंटें दिख रहे हैं इस पर भी ढक देंगे, और जो बड़े बड़े पाले हैं ना उस पर तो ये बरसाती वगैरह ढक दिए, और जो दस्से हो सकते थे ईंट का उनके दस्से भी कर दिए, और ये बड़े बड़े पालों पर रख दिए बरसाती वगैरह। और ये मौसम है ना, ये दूसरी बार है, इससे पहले वाला ब्लॉग भी मैंने उससे भी पहले जो भी मेरे से कंटिन्यू मेरे ब्लॉग से रेगुलर जो जुड़े हुए जो रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं ना उनको सब पता है, पहले भी डाले थे जब पानी आ भी गया था और ईंटें खराब भी हो गई थी, उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया था, और इस बार फिर से मौसम खराब हुआ और पानी भी आना शुरू हो गया। आप देख सकते हो, देखो ये पानी इकट्ठा, ये देखो ये रहा ये पानी आके इकट्ठा, भी थोड़ा सा भी तेज आया था पानी जिसकी वजह से भी इकट्ठा हो गया, और अभी थोड़ा और खुल गया है, लेकिन छीटे छीटे आ रहे हैं, बारीक बारीक छीटे अभी भी आ रहे हैं। ये एक देख सकती है इधर भी ये गीला गीला, और अगर रेगुलर अगर ऐसा ही पानी रहा तो फिर हमारा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग कैसे क्या अपना घर वगैरह चलाएंगे। गैस इससे और भी कुछ दिनों पहले मैंने लगभग 15-20 दिन पहले एक व्लॉग अपलोड किया था, आप लोग बार बार पूछते रहते थे कि हमको ईंट बनाने के कितने पैसे मिलते हैं, तो उस ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि हमको 1000 ईंट बनाने के 600 रुपये मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी उन लोग को देखकर कि यार आप लोगों को 1000 ईंट के 600 रुपये मिलते हैं और आप लोग तो एक दिन में 2000 से भी ज़्यादा ईंटें बना देते, तो आप लोग तो 1000-1200 रुपये रोज का कमाते हो, मतलब आप तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, इतने ज़्यादा पैसे कमाते हो, इतने ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो ईंट बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं अकेला नहीं ईंट बनाता और मैं अकेला नहीं 1000-1200 रुपये कमाता, 4 जन काम करते, 4 जन, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, तो एक का अगर 2000 ईंट बनती है तो 1200 रुपये का काम होता है, तो एक का 300 रुपये रोज का काम होता है ना, ओनली 300 रुपये, तो मैं सिर्फ 300 रुपये रोज का काम करता हूँ, ये मत सोचो कि 1200 रुपये रोज का काम होता है, पूरी फैमिली मिलकर हम काम करते तो 1200 रुपये आते, और वो भी ऐसा नहीं कि रोजाना वो काम चलता रहता है, हमारा ये ईंट का काम ओनली 6 महीने का रहता है, और 6 महीने भी रेगुलर काम नहीं चलता है। आप ये देख सकते हो इस तरह से प्रॉब्लम आती रहती है, कभी पानी आ जाना या कभी जगह खत्म हो जाना ईंट बनाने के लिए, जगह नहीं रहती, या कभी मिट्टी खत्म हो जाना, ये मिट्टी भी यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, और ऐसा नहीं कि रेगुलर ही रोज आना ही 1200 रुपये रोज का काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी जगह थोड़ी सी रह जाती है तो कभी कभी 1000 ईंट भी बनती है, कभी 1500 ईंट भी बनती है। जो लोग ये काम करते हैं उनको तो ये सब पता है, और जिन लोगों ने ये काम देखा हुआ है उन लोगों को भी पता है कि क्या कंडीशन रहती है ईंट बनाने वाले की, और जो लोग ये सब नहीं देखे तो वो तो यही सोचते हैं ना यार कि ये इतनी सारी ईंटें बना लेते होंगे, अगर ये एक दिन में 10000 ईंट बना दे तो कितने सारे पैसे कमा ले, तो ये काम एक दिन के लिए नहीं होता कि एक दिन में सारी ईंटें बना के छोड़ दो, उसके लिए इतनी सारी जगह भी होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में 10-15000 ईंट बना दो, ऐसा नहीं होता, 2000 ईंट बनाना पड़ती, 2000 या 2200-2300 ईंट बना लो, क्योंकि दूसरे दिन के लिए भी काम करना पड़ता है। पानी तो रुक गया है, अभी मैं घर जाके भी देखता हूँ मम्मी और क्या कर रहे, सबके सब अंदर बैठे हुए होंगे क्योंकि पानी आ रहा, तो बाहर निकल के क्या करेंगे। दादा देखने आए? हाँ भैया देखो, हाँ मौसम तो काय कर रहा, अपना काय इना साल के करना देगा कि नहीं, सब की लीला छे, परेशान करी के रखी दिए, ये दूसरी बार को आए, दूसरी बार फिर, और एनी बार भी अच्छी खासी इतना छे, पिछली बार से ज्यादा छे, पिछली बार से ज्यादा चाहिए इतना। अब देखो ढाकी ढाकी रहा, किस्मत आपने जाया से जाया से लेना जाया थी, बरसात यहाँ ढाक दी और इन्हीं से ना ज्यादा पतली देख रही तो फटी नहीं जाएगा, जैसे यार दूसरी लेने जाएगी, मजबूत मजबूत आओ पतली मजबूत आओ, तभी आरो जाया से बरसाती लेने के लिए लावा, तभी पन्नी वगैरह और लेने के लिए जा रखे हैं, जो थोड़ी बहुत ईंटें और बच गई थी उनको भी ढक देंगे, और देखते हैं हमारी किस्मत ये ईंटें बचती है कि नहीं। अभी मौसम तो थोड़ा सा और खुल गया है और ये पूरा खुल जाना चाहिए यार, और गाइस आप लोग ना प्लीज दुआएं हमारे लिए बिल्कुल करना कि ये मौसम यार
पता है पानी आना चाहिए, लेकिन जब इसका मौसम रहना तब आना चाहिए, ऐसे बिन मौसम बरसात नहीं होना चाहिए, तो उससे ना हम जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये नुकसान ज़्यादातर जो ईंट बनवाते हैं ना, जो दादा आया था ना, ये सेठ है, इनके जो लड़के हैं ना वो ये ईंटें बनवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेठ का ही नुकसान होता है। हमारा तो बस क्या कि हम गारा नहीं बनता तो हमारा वो नुकसान होता है, हमारा भी ज़्यादातर दिन बहुत ज़्यादा पड़ जाते तो हमारे बहुत नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादातर सेठ का नुकसान होता है। 50,000 से ज़्यादा ईंटें यहाँ पर है, और अगर ये ईंटें ख़राब होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये सेठ जो हमारी ये सेठ है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, हमारे तरह ही है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाला क्या करता है हम लोगों के साथ। तो अभी मैं सबसे पहले घर जाता हूँ। देखो हमारा सबसे बड़ा सेठ आ चुका है और आराम से ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर मस्ती कर रहा है। ये देखो ये किधर गया, ये देखो ये कह रहे भाई, अरे पानी वानी आ रहा है, तेरे को कहीं समझ पड़ रही कि नहीं है? ये ईंटे वगैरह कौन ढकेगा, पन्नी वगैरह नहीं ला जरा, तू तो आराम से ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ है, कह रहे कहीं फिकर है कि नहीं काम की है? कैसे काम करवा रहा भाई, ये पानी आ रहा है जरा देख, तू तो ट्रैक्टर में बैठ के मजे ले रहा है। अरे पानी वानी भाई बंद करवा, हमको कहीं काम करने देगा कि नहीं, तो क्या लगता है तुम पानी वानी आएगा कि नहीं? हेलो ये हमारे सेठ का लड़का है, इसका नाम है, नाम क्या है जी? समर समर प्रजापत, जो कि आज ट्रैक्टर चलाने के लिए आए हुए हैं। और इनकी भाषा अगर किसी को समझ में आ रहे है तो कमेंट करके जरूर बताना, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और इधर बिट्टू बिट्टू जाता है, अभी सब लोग खड़े हैं देख रहे हैं कि मौसम खुलेगा कि नहीं, हमारा काम फिर से चालू होगा कि नहीं। ये तो बिट्टू आ गया उसके पास देखो, और बिट्टू ये मस्ती कर रहे हैं। गिर जाएगा बिट्टू, नीचे उतर बेटा, अभी मैं बिट्टू को नीचे उतार लेता हूँ वरना गिर जाएगा। चल आ जाए बेटा, और ये बिट्टू को मैंने उतार लिया है, और आज बाजार का दिन भी है, हमारी छुट्टी भी है। हमारी नहीं, तुम लोगों ने गारा बनाया था लेकिन पानी आ गया तो डाल नहीं पाए। क्या इन लोगों ने तो गारा बनाया था, मैंने दिखाया था लेकिन पानी आ गया तो डाल नहीं पाए यहाँ पर। क्या हाँ ज्यादा हल्के में ले रहा है, किधर गया, हल्के में मत लेना है ज्यादा। अरे इधर मम्मी, मम्मी आज बाजार करने जाओगे कि मौसम खुलेगा तब? हाँ, और पता है मम्मी अपने YouTube पे ना 70K सब्सक्राइबर हो गए, उसको थैंक यू बोल दें सबको, थैंक यू थैंक यू। और गाइस फटाफट 100K भी कंप्लीट करवा दो, उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे, क्या अभी 70K हुए और ये मौसम ज्यादा खराब हो गया। मैं सोच रहा था कि 70K अभी कंप्लीट हो गया ना तो केक वगैरह कट कर लूं, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब है तो अच्छा भी नहीं लग रहा कि ऐसे मौसम में कुछ खुशियां मनाए, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही 100K कंप्लीट होंगे ना तो हम लोग बड़ा सा केक लाएंगे, और जितने भी हम लोग यहाँ पर जितने सारा भी काम करते हैं ना, हाँ तो भी सबके साथ हम केक खाएंगे क्या, और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, वो भी तब करेंगे जब ये मौसम अच्छे से खुल जाएगा, हमारा काम फिर से शुरू हो जाएगा तब, वरना अगर ऐसा ही रहा और 100K भी कंप्लीट हो गया फिर भी हम एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे मौसम रहा तो देखते हैं अभी मौसम कैसा क्या रहता है। आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू रहना, आपको पता चलते रहेगा, और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना तो उनको तो सब कुछ पता चल ही जाता है, तो आप लोग भी रेगुलर वीडियोस देखते रहना। और मैं रोजाना वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ, मेरी वीडियोस नाइट में आती है 7 या 8 बजे के बीच में आती है, जो भी अगर न्यू यूजर हो तो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि दिन में पता है मैं काम करते रहता हूँ तो टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल से व्लॉग शूट कर पाता हूँ। और आज शनिवार है तो शनिवार हम ईंट वैसे भी नहीं बनाते, लेकिन हमारे साथ वाले तो बनाते, लेकिन पानी गिर रहा है इस वजह से आज उन्होंने गारा भी नहीं डाला हुआ। और गाइस भट्टी भी लगना शुरू, जैसे कि पानी का मौसम देख के ना ये देख सकती है, जो बरसाते ढके ने यहाँ पे भट्टी लगाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन एकदम से पानी आ गया, मौसम देख के भट्टी लगाना शुरू कर दिया था, और एक भट्टी तो लग चुकी है उधर, और इधर ये ईटे 8 दिन के अंदर पक भी जाएगी, और जिसको भी खरीदना हो ईटे तो फटाफट आ जाना, ये भगवानपुरा है खरगोन के आसपास जितने भी लोग हैं तो यहाँ आकर ले सकते हो, और ये ईटे ना जैसे ही निकलेगी ना वैसे ही बिक जाएगी, खत्म हो जाएगी, इससे पहले कि ईटे खत्म हो जाए तो आप लोग फटाफट आके खरीद लेना, बहुत ही मजबूत है ईटे निकलेगी। और गाइस इधर पीछे भी ईटे बनी हुई है, इधर देख सकते हैं, इधर पीछे इधर गया पीछे, हाँ ये रहा, ये पीछे भी ईटे बहुत सारी बनी हुई, वहाँ भी बरसाती वगैरह सब ढक दिए, तो अभी देखते हैं मौसम ठीक होता है कि नहीं। हाँ बेटा, अरे बंदर मैंने अभी इनको दिखा दिया जूम करके, आप लोगों को दिखा कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं अंदर जाता हूँ कि खाने वाने में कुछ बना है कि नहीं।
बहुत तेज भूख लग रही है और पानी गिरा रही। मम्मी क्या बनाया? मम्मी ये मेरी मम्मी खाना बना रही है। क्या बना रहे? रोटी। रोटी बना रहे। और हमें सब्जी वगैरह क्या है कहीं? कांदे की चटनी दिखाओ। कहाँ है? इसके अंदर कांदे की चटनी। कांदा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कांदा हम लोग निमाड़ क्षेत्र से है ना, तो कांदा ही बोलते। प्याज की चटनी बनाई है, उसमें मिर्ची प्याज और क्या मिर्ची और प्याज और तेल से ऐसा तल वगैरह दिया है। तो खाना है? मिर्ची खाना है? नहीं तो मुझे तो भूख लग गई है। मैं तो खाता हूँ, जरा खोल के दिखाता हूँ। खाना आ रहा तुम्हारे लिए? खाना? हाँ यार, इनके लिए तो घर से आता है, क्यों ढुलकोट से आता है डायरेक्ट। और ये देख सकती हो ये चटनी है। तो मम्मी तो बहुत कम दिख रही है, और इतने में हमको 5 लोगों को खाना है। तो इसमें से किसी ने अभी तक खाई कि नहीं? मेरे छोटे वाले भाई ने खा ली है, लेकिन इसमें से अभी हम 4 लोग, मैं, बिट्टू, मम्मी और दीदी, हम 4 बच्चे जो खाना है। ये भी खा लिया भाई? बिट्टू ने भी खा लिया है, इसका मतलब मम्मी, मैं और दीदी बचे हुए। तो हम लोग मिल बांट कर ये चटनी खा लेंगे। तभी मुझे भूख बहुत ज्यादा लग गई। देखो तो ये देखो ये अरे नहीं नहीं, ये सेठ नहीं, हमारे साथ काम करती है अभी वो है। तो अभी हम फटाफट ये खा लेते। मेरी रोटी तू कहाँ से खाने लग गया? मेरे को भी खिला। तो हम लोग ये चटनी से रोटी खा रहे हैं। और गाइस आप लोगों ने कभी कांदा वह बिट्टू प्याज, मतलब हम तो निमाड़ से, हम लोग प्याज को कांदा ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्याज को? कमेंट करके जरूर बताना। और बिट्टू भी रोटी ले आया और मैं भी, और हम ये प्याज मिर्ची और इसमें थोड़ा सा मम्मी लसन वगैरह सब एकदम मिला के तेल से थोड़ा सा तला हुआ है और हम ये खा रहे हैं। और आप लोगों ने कभी खाई है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और इसका टेस्ट पता है बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जैसे कि अभी पानी का मौसम हो गया तो कुछ अच्छा सा बनाकर हम नहीं खाते, हम ऐसा ही थोड़ा जल्दी बना लेते हैं फिर ये खा लेते हैं। और ये प्याज जो है ना, मेरी आदत है, मैं प्याज ज्यादा खाता नहीं हूँ। अगर सब्जी में अगर प्याज मुझे अलग दिख जाता तो मैं निकाल के फेंक देता हूँ। बिट्टू कैसे खा रहा है? चिकन। सब हम कैसे खाए? तुम्हारो खा रहे हो? तुमने तो अभी, इसने पहले जब मैं पूछा था किस किस ने खा लिया, तो बिट्टू ने क्या बोला था? मैंने खा लिया। अब मेल आया मेरे से की तो अभी ये निकाल के खा रहा है। ये मैं नहीं खाऊंगा, मेरा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो तू क्यों खा रहा है मेरा? बस खाना वाना सब खा लिया है। रवि मम्मी इधर बर्तन वगैरह साफ कर रहे खाना खाने के बाद। और गाइस अब हम ये ब्लॉग को अभी यही रोक देते हैं। और मम्मी इनको बोलो ना जल्दी से हमारे 100K सब्सक्राइबर करवा दे। ऐसा बोलो, करवा दो बोलो, सामने देखो, करवा दो। मम्मी बोल रहे जल्दी जल्दी, तो 70K तो अभी हो गए, और अभी फटाफट सब्सक्राइब करके हमारे 100K भी जल्दी से कंप्लीट करवा दो, ताकि हम लोग भी केक कट कर सके। और अभी मौसम पानी आया था, लेकिन अभी थोड़ा खुल भी गया है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ।